ये सब तुम्हारा नहीं, हमारा बिछाया हुआ जाल था, जिसमें तुम फंस गई महाभस्म परी। महाभस्म परी ने मुझे अपनी मायावी जाल में फंसा दिया और उसने उस सुनहरे चिन्ह को हासिल कर लिया। वाह बालवीर वाह, कितना बढ़िया खेल खेला है आपने। वैसे खेल तो उस महाभस्म परी ने खेला था, लेकिन असली चाल तो आपने खेली है। बालवीर, हमें आप पर बहुत गर्व है। हाँ बालवीर, महाभस्म परी की मन पर शक्ति को भी आपने अपने मन की बात पढ़ने नहीं दी। हाँ बालवीर, महाभस्म परी तो यही सोच रही होगी कि सुनहरा चिन्ह वो चुरा रही है, जबकि सच तो ये है कि तुम जानबूझकर खुद महाभस्म परी को उस चिन्ह तक ले गए थे। हाँ, महाभस्म परी ये सोच रही होगी कि वो जीत गई है, लेकिन सच ये है कि वो हार गई और हम जीत गए हैं। और वैसे भी हमें तो जीतना ही था, क्योंकि हम अच्छाई और सच्चाई का साथ दे रहे हैं। हाँ, लेकिन बालवीर, अगर महाभस्म परी को पता चल गया कि उनके पास जो सुनहरा चिन्ह है वो नकली है तो? आप चिंता मत कीजिए डरी परी, क्योंकि महाभस्म परी को पता चलने से पहले ही हम नरक के द्वार तक पहुंच जाएंगे। हाँ, ताकि हम मेहर को वहां से बचाकर सुरक्षित उसके परिवार के साथ उसे मिला सके। हाँ, अगर मुझे मेहर को तुमसे आजाद ना कराना होता तो अब तक तो मैं तुम्हारा अंत कर चुका होता। आज तुम जीवित इसलिए हो क्योंकि मेहर तुम्हारे पास है। इतना बड़ा खेल खेला मेरे साथ, इतना बड़ा धोखा दिया महाभस्म को, इतना बड़ा धोखा कि मैं नकली सुनहरे चिन्ह को मायावी पर्वत से लेकर आई। हाँ महाभस्म परी, हम तुम्हारी तरह नासमझ नहीं है जो इतनी महत्वपूर्ण चीज को अपने आप से दूर रखते। हमने तो सुनहरे चिन्ह को अपने सिंहासन के पीछे गुप्त स्थान में छुपा कर रखा था, और तुम कितनी बेवकूफ निकली। और अब जब महर सुरक्षित है तो तुम्हारा अंत तो निश्चित है। परियों, रॉकी बेटा, हाँ, फैन की स्विच ऑन कर, हम लोग पता कर लेते कि फैन सही हुआ कि नहीं। हाँ ठीक है। बाबूजी। हाँ? नहीं चला। ये वायर तो प्लग के अंदर डाल। लेकिन आपने तो कहा सिर्फ स्विच ऑन करने को। बेटा डाल ना, डाल। ये पल्लू और मेरे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो अपने खुजली वाला पाउडर डालो किस पे? बस खुद पे डालो। चुप। एक काम करता हूँ, मैं खुजली वाला पाउडर पिग्गियों पे डाल देता हूँ, मुझे तो परेशान करने से मतलब, भले ही फिर हो कोई भी हो। डाला? हाँ हाँ कर रहा हूँ। Okay.
अरे केवल वांट टू रोहित, अरे कुछ खाकर तो जाओ बेटा। कमाल है, कुछ खाए बिना ही चले गए। पहले वो कहां था ये जानना चाहती हो तुम? इससे पहले वो परीलोक में था। अब तुम सब सुनहरे चिन्ह को छोड़कर यहां आ गए तो मैंने अश्वासुर को सुनहरे चिन्ह की रखवाली के लिए भेज दिया। तुम सबके होश उड़ गए, बोलते बंद हो गए, भूल गए तुम लोग कि बड़ी बुरी हूं और बालवीर आज से पहले बुराई अच्छाई से हारती होगी, लेकिन अब सिर्फ बुराई जीतेगी, महाभस्म जीतेगी। और मेरे जीत का प्रमाण है वो सुनहरा चिन्ह जो अश्वासुर के पास है। वैसे मेरा खेल पलटने की अच्छी कोशिश थी, लेकिन तुम सब भूल गए कि महाभस्म हार कर भी जीत जाती, क्योंकि मैं बुराई की सबसे बड़ी बाज़ीगर। क्या हुआ, तुम लोग चुप क्यों हो गए? अब हंस हंस कर बताओ, बताओ कि तुम सब कितने समझदार हो, कितने बुद्धिमान हो। तुम सबको लगा मेरे हर चाल का जवाब है तुम्हारे पास, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि मेरे किसी चाल का जवाब नहीं है तुम सबके पास, बल्कि तुम सबको जवाब देना ही नहीं चाहिए था। जैसे ही तुमने मुझे बताया कि तुमने सुनहरा चिन्ह कहां छुपा कर रखा है, मैंने वैसे ही अपनी शक्तियों से अश्वासुर को आदेश दिया कि वो जाए और परीलोक से वो सुनहरा चिन्ह लेकर आ जाए। गलती की तुम सबने जो मेरे सामने बड़ी बड़ी बातें करने की कोशिश की, और तुम्हारी इसी गलती की वजह से आज मैं हारी हुई बाजी फिर से जीत गई। अब मुझे तुम में से कोई नहीं हरा सकता। नहीं महाभस्म परी, मैं तुम्हें कभी नहीं जीतने दूंगा, कभी नहीं। नहीं बालवी, गलत हो तुम। अब मुझे नर्क का द्वार खोलकर दैत्यों को आजाद कराने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। अश्वासुर, सुनहरे चिन्ह को द्वार की तरफ फेंको। बालवीर, हमें महाभस्म परी को किसी भी तरह नर के द्वार को खोलने से रोकना होगा। कुछ कीजिए बालवीर।
बुरी हूं मैं। अश्वासुर, आज महाभस्म उसके जीत के सामने कोई ना आने पाए, अंत कर दो इन सबका। और बालवीर, तुम्हारा अंत मैं खुद अपने हाथों से करूंगी, ताकि आज के बाद अच्छाई कभी बुराई के सामने सर उठाने की हिम्मत ना करे। महाभस्म परी, अगर तुमने बालवीर को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो हम तुम्हें फिर से भस्म बना देंगे। परियों, वार के लिए तैयार हो जा। द्वार को नहीं खोल सकती, इसीलिए आप मेहर को लेकर यहाँ से जाइए। हम इस अश्वासुर को रोकते हैं। जो ग्यारानी परी, शंगल खराब है, लेकिन अब आइडिया तो अच्छी दिया करो। बॉस, बॉस, केवल सही कह रहे। बॉस, आपने भले आइडिया पूरे दिया करो, लेकिन उसे सही से तो किया करो। बॉस, बॉस, अरे बॉस, बॉस, जब भगवान बुद्धि बांट रहे थे, तब आप कहाँ थे? अरे तुम दोनों मुझे पिज्जा बर्गर खिलाने लेके गए थे ना? क्या? क्या? कुछ आने दो। हाँ। एक मिनट। हाँ, क्यों? तुम मेरी खुजली करो, मैं तुम्हारी खुजली भगाता हूँ। शांति करो। खुजली मिटानी है तो आपको खुजाने की क्या जरूरत है? अरे हाँ, मैं तो भूल गया था। मोंटू पंचारिष्ट। हाँ, इसे पीने के बाद हमारी खुजली मिट जाएगी। बस पहले आप। खुजली मिट गई। बस ला 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 ला। अच्छा हुआ बस।
मिटाने की दवा मिल गई, वरना खुजली करते करते तुम्हारा बुरा हाल हो जाएगा। हाँ। और बॉस वैसे भी आपकी नाक कट गई। नहीं अरे? मेरी नाक नहीं कटी है। नाक तो मैं उन पिद्दियों की काटूंगा। क्या मतलब? उनके नाक में मैं दम काटूंगा। बॉस देख लो कहीं आपका ही दम ना निकाल दे वो लोग। हाँ, और फिर आपकी दमदार पिटाई होगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अरे बॉस आप हमेशा यही कहते हो लेकिन लास्ट में आपकी पिटाई हो जाती है। ए, शॉन भी तो ना तुझे पीट दूंगा। बॉस वैसे भी आपके साथ रहकर हमारी हमेशा पिटाई होती है। यार ये बातें कम कर रहे और भाग जा रहे हैं। आज तो पतला करके रहेंगे। चल ध्यान से सुनो और मेरा प्लान देखो। अरे बॉस जो भी कहना यही पे गो। दिखाना है जो भी दिखाना है यही दिखाओ। हाँ कितनी। हाँ ये देखो यही है लूज मोशन की गोलियां। बड़ा ही लूज कैरेक्टर है आपका। वाह मतलब वाह 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 सुपर। लेकिन बॉस आप एक बात भूल गए कि आपका दिमाग खराब है पेट नहीं। नहीं मेरा दिमाग खराब है और नहीं मेरा पेट खराब है। समझे? ये गोलियां मैंने उन पिद्दियों के लिए लाई है। हम वापस उन पिद्दियों के घर जाएंगे और स्मिता आंटी को बोलेंगे कि हमारे लिए कुछ खाने पीने के लिए लाए। और जैसे ही किसी का ध्यान नहीं रहेगा ये गोलियां हम उसमें मिक्स कर देंगे और उन पिद्दियों को खिला देंगे। और फिर देखना उनका पेट दिन भर खराब रहेगा। फिर वो बाथरूम अंदर बाहर अंदर बाहर करते रहेंगे। बस आइडिया तो बहुत अच्छा है लेकिन एक चीज हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जिस भी चीज में हम ये गोली मिला है वो चीज ना हम खाए ना पिए वरना हम आपको छोड़ेंगे नहीं। नो फियर एंड मॉन्टू द ग्रेटेस्ट लखानी इज हियर। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। Follow me. Mama, 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 राज भी हारेगी। बालवीर आज बालवीर के साथ अच्छाई भी धरती में दफन हो गई। अब कौन रोकेगा मुझे दैत्यों को आजाद कराने से?